टपरिया में लगी भीषण आग, आग की लपटों में लाखों का सामान जलकर हुआ राख। खबर बैराड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोंदलीपुरा से है, जहां शॉर्ट सर्किट की वजह से टपरिया में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी की जानकारी देते हुए आलोक पुत्र बाबूलाल यादव उम्र 32 साल निवासी ग्राम गोंदलीपुरा ने बैराड़ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से ग्राम गोंदलीपुरा में मेरी टपरिया में आग लग गई। मुझे ग्रामीणों ने जानकारी दी, जब मुझे पता चला टपरिया में आग लग गई है। आग की लपटें अचानक देखते ही देखते इतनी तेज हो गई कि ग्रामीण और घर वालों ने बुझाने का आग हर संभव कोशिश की, लेकिन आग की लपटों पर काबू पाया नहीं जा सका। और साथ ही बैराड़ फायर ब्रिगेड के लिए परिजन और ग्रामीणों द्वारा फोन लगाया गया। जब फायर ब्रिगेड बैराड़ से गोंदलीपुरा पहुंची और आग को बुझाया, टपरिया में लगी चक्की मोटर, 7 क्विंटल गेहूं, 6 क्विंटल आटा, 2 ग्राइंडर, घर गृहस्थी का लगभग लाख रुपए का सामान जलकर हुआ राख। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। लाइट आ रही थी, लाइट से शॉर्ट हो गई तो आग लग गई इसमें। तो इसमें क्या आपका नुकसान हो गया है? उसमें तो कम से कम करीबन 1 लाख रुपये का नुकसान हो गया। तो 7-8 क्विंटल तो गेहूँ और 7-8 क्विंटल आटा और 1 मोटर बढ़ गई और ग्राइंडर तो उसमें भी भर गई। आसान आ गए मिल आई थी वो पूरे गाँव की आटे भी या तो वो भी जल गया। मैंने गाड़ी मंगाई थी और मैंने गाड़ी मंगाई थी, मैं पूर्व सरपंच ब्रजमोहन सिंह यादव, मैंने गाड़ी मंगाई थी और तब तक आई, तब तक हमारे पूरे गांव वाले ने और बाल्टी से पानी फेंका, पानी फेंकने का आग बुझी नहीं, तब तक गाड़ी पहुंची थी नगर पंचायत की, तो बेहजांग प्रेशर लगाया तब आग बुझी। और मेरे भतीजे का नुकसान बहुत हुआ है, कम से कम 10 क्विंटल अनाज उसमें जल चुका है और मोटर चक्की सब जल चुका है और टपैया पूरी भस्म हो चुकी है। जे आप जाके निर्देश करें और देखें।